हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही अमेजिंग रेसिपी शेयर कर रही हूँ स्टफ्ड मैंगो कुल्फी की। बिकॉज मैंगोज आर इन सीजन, तो आज हम मैंगो से ही इस लाजवाब सी रेसिपी को बनाएंगे। और घर के ही सिंपल से इंग्रेडिएंट से हमने इस रेसिपी को बनाया है, एंड आई होप कि आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस इतना कहना चाहूंगी कि अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो जरूर से कीजिएगा। तो आइए इस लाजवाब सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। स्टफ्ड मैंगो कुल्फी बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर कुल्फी का मिक्सचर रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क, और अब इसे हमने बॉईल करना है। और इस दूध को हमें बड़े ही इत्मीनान से आराम के साथ पकाना है जब तक कि ये रिड्यूस नहीं हो जाता है। और इस दूध को हम तब तक पकाएंगे जब तक कि इसकी क्वांटिटी आधी ना रह जाए, और लगातार इसे चलाते भी रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो दूध है वो काफ़ी रिड्यूस हो चुका है, और अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर। इससे इस मैंगो कुल्फी का फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है, तो इसे आप ज़रूर डालिएगा। और अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1/2 कप शुगर, और शुगर डालने के बाद में इसे 3 से 4 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए पकाएंगे, और उसके बाद फिर ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो स्टफ्ड मैंगो कुल्फी का मतलब ये होता है कि हमें मैंगो को लेकर उसकी गुठली निकाल देनी है, और उसके अंदर जो हमारी कुल्फी का मिक्सचर हमने रेडी किया है उसे भर देना है, और उसके बाद हमें मैंगो को फ्रीज कर देना है। यहाँ पर जो मैंगो का ऊपर का पार्ट है उसे हम इस तरीके से कट करके अलग कर देंगे, और इसे हमें फेंकना नहीं है क्योंकि ये बाद में हमारे काम आएगा। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीका है इस कुल्फी को बनाने का। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक छोटा शार्प नाइफ लेंगे, और उसे इस तरीके से आम के अंदर डालकर जो गुठली है उसके चारों तरफ इस तरीके से चलाएंगे। तो गुठली के इर्द गिर्द जब हम इस नाइफ को चलाएंगे तो इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि नीचे से आम कटना नहीं चाहिए, बहुत ही केयरफुली हमें ये काम करना है। और अब हम फिंगर्स की हेल्प से इस गुठली को पकड़ेंगे और इसे पहले रोटेट करेंगे, और रोटेट करने के बाद में इसे खींच लेंगे तो ये इजीली रिमूव हो जाएगी गुठली। तो ये देखिए, इस तरीके से हम इसे रोटेट करेंगे और अब इसे खींच लेंगे तो ये बहुत आसानी के साथ निकल जाती है। अब जो गुठली के ऊपर ये गूदा लगा हुआ है इसे भी नाइफ की हेल्प से हम अलग कर देंगे, और जब ये गुठली से गूदा अलग हो जाएगा तो इस गूदे को हम आम के अंदर डाल देंगे, और एक बाउल लेंगे और उसमें इस आम को रख देंगे ताकि ये इस पे स्टेबल रहे। और ये जो गूदा आम का निकला था इसको हम इस आम के अंदर डाल देंगे। कुल्फी का जो मिक्सचर है वो अब रूम टेम्परेचर पर आ गया है, तो अब इस मिक्सचर को हम पोर कर देंगे इस मैंगो के अंदर। तो है ना फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रेसिपी इस स्टफ्ड मैंगो कुल्फी को बनाने की, और वो भी घर के ही इंग्रेडिएंट्स से। और जो मैंगो का पार्ट हमने अलग करके रखा था अब उसको इस मैंगो के ऊपर रख देंगे, और अब इन मैंगोज को हम रख देंगे ओवरनाइट के लिए फ्रीजर में। तो फ्रीजर में से मैंने मैंगोज बाहर निकाल लिए हैं, अब हम इनको पील करेंगे। तो सबसे पहले इनका जो ऊपर का पार्ट था उसको अलग कर देंगे। तो कोई भी पीलर या नाइफ आप ले सकते हैं इसके छिलके को पील करने के लिए। तो ये लीजिए, मैंगो तो हमारा पील हो चुका है, अब हम इसको कट करेंगे। तो अब इस मैंगो को हम स्लाइस में कट करेंगे, और बहुत ही इजीली ये कट भी हो जाता है। तो ये लीजिए, मैंगो को हमने स्लाइस में कट कर दिया है। बहुत ही ज़्यादा यमी रेसिपी है फ्रेंड्स इस मैंगो स्टफ्ड कुल्फी को बनाने की, एक बार ट्राई करना तो बनता ही है।
और स्लाइस में कट कर लेने के बाद में हम इसे गार्निश करेंगे थोड़े से पिस्ता से। आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो लीजिए, हमारी स्टफ्ड मैंगो कुल्फी बनकर एकदम तैयार है। एंजॉय कीजिए इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और इस रेसिपी को एक बार ट्राई करना तो बनता ही है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।